हाय फ्रेंड्स, स्वागत है परिता के फ्लेवर्स में। आज मैं बनाने जा रही हूँ खीरे से बहुत ही चटपटी सी रेसिपी, जो कि इस भयंकर गर्मी में आप कभी भी आपके घर में गेस्ट आ जाए या छोटा मोटा इवेंट हो तो आप इसे फटाफट बना करके और सर्व कर सकें। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस खीरे का छिलका उतार देंगे इस तरह से। तो ये देखिए मैं छिलका अच्छी तरह से उतार दी हूँ। अब क्या करेंगे, बीच में इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसके जो अंदर के जो भी बीज हैं इसको हम निकाल देते हैं और इसे हम यूज में ले लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम फटाफट इसको खाली कर देंगे। तो ये देखिए ये पूरा इसका बीज निकाल करके बिल्कुल हम खाली बाउल की तरह रख दिए हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम थोड़े काली मिर्च, ये जो खाली किए थे खीरे का पार्ट्स सीड्स वगैरह ये वही है, और इसमें मैं एक या डेढ़ चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ और ये बारीक कटा हुआ एक हरी मिर्च, तीखा अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, और ये आधी कटी हुई टमाटर है, और ये एक चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च है। सब्जी भी अपने पसंद के अनुसार ही डालिएगा, जो आपको पसंद लगे, जो आप खाना चाहें वही डालिएगा। इसमें फ्रूट्स भी आप मिला सकती हैं, जैसे अनार के दाने या सेब के, फिलहाल मेरे पास उपलब्ध नहीं है, आपके पास हो आप डाल दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और ये मूँगफली ये भुना हुआ है इसको भी डाल देंगे, और ये उबाला हुआ कॉर्न है, आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिए, कौन से बहुत टेस्ट अच्छा आएगा और ये बच्चों को तो बहुत पसंद होता है। और अब क्या करेंगे, ये धनिया पत्ता, धनिया पत्ता डाल करके ये अभी नींबू डाल देंगे, नींबू का रस, और थोड़ा चटपटा फ्लेवर के लिए ये चाट मसाला डाल देंगे, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे, नमक, चाट मसाला, काली मिर्च जो है सब कुछ आपस में मिल जाए अंदर से। तो ये देखिए अच्छी तरह मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ खीरे को लाएंगे और इसमें हम भर देंगे। ये देखा, देखिए पूरी तरह से स्टफ कर दी हूँ मैं, यकीन मानिए पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। और ये ऊपर से मैं सेव डाल दे रही हूँ, जो कि इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कुछ ही मिनटों में ये लाजवाब सा रेसिपी बनकर के तैयार हो गया है। तो चलिए ऐसे आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए, पूरे परिवार को बना करके खिलाइए, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्सों को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।